अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ई कॉमर्स बिज़नेस क्या है और इसे आप कैसे शुरू कर सकते हैं। ई कॉमर्स बिज़नेस से मुराद आप अपना ऑनलाइन स्टोर यानी बिज़नेस शुरू करते हैं, जहां पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स यानी चीज़ें सेल करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी मशहूर है और बाज़ मुल्क में तो लोग सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं। ई कॉमर्स एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप घर बैठे अपना ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर शुरू कर सकते हैं और पाकिस्तान से कस्टमर्स हासिल कर सकते हैं। ई कॉमर्स में आपके पास शहर मुल्क की कोई पाबंदी नहीं होती, आप चाहें तो पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और इसमें वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं होती। ई कॉमर्स बिज़नेस का एक फ़ायदा ये भी है कि आपका बिज़नेस 24 घंटे चलता रहता है, यानी आप सो भी रहे होते हैं तो कस्टमर आपके स्टोर पर विज़िट करके आपकी प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे होते हैं। ई कॉमर्स बिज़नेस शुरू करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, ताकि आप कुछ प्रोडक्ट परचेज़ कर सकें। आप बाद प्रोडक्ट्स की है तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको काफ़ी एहतियात करनी होती है, क्योंकि आपने अपनी रिसर्च करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट ऑनलाइन ज़्यादा सेल हो रही है और कौन सी प्रोडक्ट लोग ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। इसके लिए आप दराज स्टोर को भी विज़िट कर सकते हैं। इसी तरह से अमेज़ॉन से भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल ई कॉमर्स स्टोर पहले से ही पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे। ऑनलाइन स्टोर आपने शुरू कैसे करना है, इसके लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले अगर आप बात करें तो ई कॉमर्स बिज़नेस की, तो इसमें अक्सर देखते हैं कि हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, यानी हम अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाते हैं और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। फिर इस वेबसाइट पर आप ट्रैफिक भेजते हैं यानी विज़िटर्स भेजते हैं, ताकि सेल जनरेट हो और आपकी पेमेंट शुरू हो सके। आप ऑनलाइन वेब स्टोर बनाने के लिए आपको एक डोमेन नेम और एक वेब होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप अपने बजट के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। होस्टिंग की कीमत तकरीबन 1700 रुपीज़ से सालाना लेकर 10,000 रुपीज़ सालाना तक भी हो सकती है, और इससे ज़्यादा अच्छी लेनी है तो फिर आप लाखों तक चली जाती है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ऑनलाइन ई कॉमर्स वेब स्टोर की बात करें, तो इसमें एक ज़रूरी नहीं कि आप लाखों रुपए वाली होस्टिंग खरीदें, आप 4,000 से 5,000 रुपए वाली सालाना होस्टिंग पैकेज भी ख़रीद सकते हैं। डोमेन नेम अगर आप चाहें तो जहाँ से होस्टिंग खरीदें वहाँ से डोमेन नेम ख़रीद सकते हैं। वैसे डोमेन नेम से मुराद आपकी वेबसाइट का नाम, यानी जिस नाम से आपने ऑनलाइन स्टोर बनाना है वो डोमेन नेम कहलाता है। ये भी आपको परचेज़ करना पड़ता है। डोमेन और होस्टिंग ख़रीदने के बाद आप यहाँ पर वर्डप्रेस के ज़रिए अपना एक ऑनलाइन वेब स्टोर बनाते हैं, यानी कि ई कॉमर्स स्टोर। स्टोर बनाने के बाद आप अपने स्टोर के नाम से अब तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पेज बनाएं और वहां से ट्रैफिक को अपने ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो आपको एक फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर अपने स्टोर के लिए पेड एडवर्टाइजमेंट ज़रूर चलाएँ। इससे ये होगा कि आपको एक जल्दी जल्दी कस्टमर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आप रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों रुपये का प्रॉफिट घर बैठे कमा सकते हैं। आई होप यू गाइज़ You like the video. Till the next time, Allah Hafiz.